वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि डेली करंट अफेयर है 3 नवंबर 2023 का। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है अश्वनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर है कम्युनिकेशन एंड एचई मिनिस्टर कम्युनिकेशन के एंड एचई हाउलिन जाहो सेक्रेटरी ऑफ जनरल टेलीकोलेशन इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन साइन द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU, ठीक है, इन दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अश्वनी वैष्णव जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और एचई हाउलिन झाओ ये कहाँ के जनरल सेक्रेटरी है इंटरनेशनल टेलीकोशन यूनिट के, इन्होंने मिलके होस्ट एग्रीमेंट साइन किया है कि एक एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU दिल्ली में बनेगा। ठीक है, ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगला है 33rd एडिशन ऑफ एनुअल इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन मीटिंग बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेवीज एंड कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वॉज हेल्ड एट इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ऑफ पॉइंट कैलिमर एट पाल्क बे। ठीक है, तो सबसे पहले मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्या है हमारी, पॉइंट कैलिमर जो ये कहाँ है, पाल्क बे में। तो ये मीटिंग्स हुई थी 33rd एडिशन ऑफ एनुअल इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन मीटिंग इंडिया सेना के 33वां था, कहाँ हुआ था, पॉइंट कैलिमर में जो कि कहाँ है, पाल्क बे में। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विजिटेड श्रीलंका टू ओपन द ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अप्रिशिएटेड इट्स रोल इन सपोर्टिंग कॉरपोरेट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन श्रीलंका विजिट की थी किस लिए, एक SBI का एक ब्रांच वहाँ पर खुलने के लिए। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL लॉन्चेस इज ग्राउंड ब्रेकिंग नेशनल इफिशियंट कुकिंग प्रोग्राम एंड एनर्जी इफिशियंट फैंस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस याद कर लीजिए कि फुल फॉर्म क्या है EESL का, एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, क्या लॉन्च किया अपने ग्राउंड ब्रेकिंग नेशनल इफिशियंट कुकिंग प्रोग्राम, नेशनल इफिशियंट कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च की है एंड एनर्जी इफिशियंट फैंस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली में। ये बेसिकली फुल फॉर्म से जो याद रखना पड़ेगा आपको। थाईलैंड इज स्क्रैपिंग वीजाज फॉर स्कोर्स ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन ऑर्डर टू रिकिंडल द फायर इन टूरिज्म सेक्टर। थाईलैंड क्या कर रही है कि इंडियंस के लिए भी वीज़ा खत्म कर रही है कि जिससे उनका टूरिज्म सेक्टर बढ़े। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 3-day इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु कर्नाटका। रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या किया, 3 दिन का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो बेंगलुरु कर्नाटका में शुरू किया है। द सेंट्रल थीम ऑफ इवेंट इज मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इंडिया में बनाओ विश्व के लिए। अ चाइनीज कम्युनिटी पार्टी डेलीगेशन विजिटेड द सोलोमन आइलैंड्स कॉलिंग द फ्लरिशिंग कॉरपोरेशन बिटवीन चाइना एंड द पैसिफिक नेशन अ शो ऑफ हाउ डिप्लोमेटिक टाइट्स वेयर इन देयर पीपल्स इंटरेस्ट। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सोलोमन आइलैंड विजिट की है कि जो पैसिफिक के किनारे जो देश रहते हैं और चाइना के बीच में कॉरपोरेशन बने कि दिखाने के लिए कि उनके लोगों को फायदे के लिए कॉरपोरेशन बनाया जा सकता है। अगला है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट इन गांधीनगर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया क्या एक मीटिंग को, किसके मीटिंग को, श्री सोमनाथ ट्रस्ट जो कि गांधीनगर में है गुजरात में, और बहुत सारे बातों पर बात की। ठीक है, तो सबसे क्या हो गया, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर, गांधीनगर में गुजरात। ठीक है, अगला है नीति आयोग ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप एंड इंडिया AU कोलैबोरेशन फॉर अ बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड इन पार्टनरशिप विथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एट ताज पैलेस न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इंडिया ने AU के साथ एक कोलैबोरेशन मीटिंग की जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप हो पा रही। मीटिंग कहाँ हुई, ये मीटिंग हुई है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एट ताज पैलेस न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से इससे भी हम लोग पूछा जा सकता है। तो अगला है हम लोगों का, तो ये लास्ट था इसका। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे वीडियोस देखने के लिए, मैथ्स के ऊपर हो, GK के क्विज़ के लिए ज़रूर लाइक करें क्योंकि हर दिन क्विज़ मिलेगा आपको। सो अच्छा लगा प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें, देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।